जो वहाँ से निर्देश आएगा उसी पर पार्टी काम करेगी। ये आलाकमान ओरिएंटेड पार्टी है, आलाकमान का जो निर्देश होगा, अगर यहाँ किसी विधायक की राय होगी तो इस राय से भी लेटेस्ट में अवगत करा दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम। बिहार एमएलसी चुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, काफ़ी कुछ बयां जो है वो कांग्रेस के नेता और विधायक पहले ही कर चुके हैं, मगर एक अहम बैठक अजीत शर्मा के आवास पर बुलाई गई है। अजीत शर्मा विधायक दल के नेता हैं, तमाम विधायकों को बुलाया गया है, मगर इस बीच जब मदन मोहन झा पहुंचे तो काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे, नाराज़ दिख रहे थे और महागठबंधन के साथ साथ राजद पर जमकर बरसे। क्या कुछ कह रहे हैं मदन मोहन झा, सबसे पहले आप वो सुनिए। अभी तो हम आए ही हैं तुरंत, हाँ। और आकर के निकले बाहर कि आप उससे मुलाकात हो रही है। ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस जो है वो एक विधायक अपने उतार सकता है, क्या इस पर राय नहीं? अभी इस पर कोई नहीं राय पर नहीं है। यहाँ की जो परिस्थिति है उससे पहले भी हमने आलाकमान को सभी बात से अवगत करा दिया है, ये क्या क्या परिस्थिति है, किसकी क्या संख्या है, हमारी क्या है, तो आलाकमान को अवगत करा चुके हैं हम लोग। अभी वहाँ से भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है ये क्या करना है जी। तो हम लोग आपस में बैठे हैं, आपस में बातचीत उचित कर रहे हैं ये क्या है, आगे की परिस्थिति क्या हो रही है। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है ये क्या करना है। सर, यदि ऊपर से निर्देश नहीं है तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी? जो वहाँ से निर्देश आएगा उसी पर पार्टी काम करेगी। ये आलाकमान ओरिएंटेड पार्टी है, आलाकमान का जो निर्देश होगा, अगर यहाँ किसी विधायक की राय होगी तो इस राय से भी लेटेस्ट में अवगत करा दिया जाएगा आलाकमान। अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं, सभी विधायकों को बुलाया गया सर बैठक में? वो हमारे CLP बुलाए होंगे, हम 2 बजे रात में बाहर से आए हैं, अभी तुरंत यहाँ 5-7 मिनट पहले पहुँचे हैं। एक फोन आ गया तो उसे बात करने के लिए निकले थे, आप लोग से भेंट हो गई। महागठबंधन में रहने क्या कहाँ अब सवाल है, महागठबंधन तो अभी हम लोग हैं नहीं। महागठबंधन हम लोग शुरू से ही जो बाय इलेक्शन हुआ या काउंसिल का इलेक्शन हुआ उसमें अलग लड़े हैं, हैं कि नहीं वो तो नहीं है, रहेंगे कि नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी हम लोग नहीं हैं। तो आपने सुना मदन मोहन झा को, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो निर्णय है वो आलाकमान लेंगे, क्योंकि इन तमाम परिस्थितियों से आलाकमान को अवगत करा दिया गया है और जल्द ही निर्णय भी निकलकर सामने आ जाएंगे, मगर उससे पहले एक अहम बैठक जो है विधायक दल की वो बुलाई गई है, तमाम विधायकों को बुलाया गया है, विचार विमर्श होगा। और एक बात तो साफ है कि अब कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। मदन मोहन झा साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस नहीं है, आगे का स्वरूप क्या होगा ये आलाकमान तय करेंगे, मगर फिलहाल बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस नहीं है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।